हेलो गाइस, वेलकम टू वोटन मोबाइल्स। माय नेम इज मुकुंद। सो गाइस, आज हम रिव्यू के लिए लाए हैं रेनॉल्ट की रिसेंटली लॉन्च जो क्विड है क्लाइमर एडिशन, उसका रिव्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे कर्णावती रेनॉल्ट को, जिन्होंने हमको ये कार रिव्यू के लिए दी। इफ यू वांट टू चेक एनी ऑफ रेनॉल्ट कार, देन आई विल गिव यू ऑल डिटेल्स ऑफ रेनॉल्ट कर्णावती। आपको कोई भी व्हीकल परचेस करना हो तो आप रेनॉल्ट से कर्णावती से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको काफी अच्छी डील देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स रॉक। गाइज, ये रही रेनॉल्ट का क्विड का क्लाइंबर एडिशन जो जेंस कार ब्लू कलर के साथ आपको देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑरेंज टचेस देखने को मिलते हैं जो काफी कार के स्पोर्टीनेस को बढ़ाते हैं। फ्रंट से पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट में आपको देखने को मिलता है रेनॉल्ट का बड़ा लोगो जो काफी अपीलिंग लुक देता है। एंड आपको जो मेजर चेंज देखने को मिलता है पुरानी क्विड से वो है यहाँ पे आपका DRL। एंड DRL के आपको अंदर ही यहाँ पे ऐसा सेटअप दिया है जिससे साइड इंडिकेटर्स अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड इंडिकेटर का हेलोजन लैंप अंदर दिया गया है। एंड नीचे बढ़ते ही आपको SUV शेप में जो हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके आउटर बॉडी पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज स्किन जो डिकेल्स दिए गए वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड ग्रिल में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। एंड रेनॉल्ट का बड़ा क्रोम फिनिश वाला लोगो देखने को मिलता है। एंड नीचे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है और स्किड प्लेट में भी यहाँ पे आपको ऑरेंज फिनिश देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड गाइस, अब चलिए बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में आपको जो टायर की साइज देखने को मिलती है वो 14 इंच के टायर है जो काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे टायर देखने को मिलता है। एंड टायर पर आप देख सकते हो कि ग्लॉसी मैट फिनिश में आपको टायर के व्हील प्लेट देखने को मिलती है, बट इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसे की गई है जिससे आपको ये एलॉयज के जैसे लग रहे हैं। एंड आपको बॉडी पर भी क्लाइडिंग देखने को मिलती है। एंड उसमें आपको साइड इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको ORVM देखने को मिलते हैं, वो भी ऑरेंज कलर फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं। एंड पूरी ओवरऑल गाड़ी की बात करते हो तो ये 4 मीटर के अंदर आती है। एंड आपको काफ़ी अच्छा लुक, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर रेनॉल्ट ने यूटिलाइज किया है। अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल ये व्हीकल है। एंड रूफ ट्रेल के बारे में बात करते हो, रूफ ट्रेल के ऊपर आप देख सकते हो कि ऑरेंज फिनिश देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड स्पोर्टीनेस को बढ़ाती है एंड काफ़ी एक अच्छा लुक रेनॉल्ट क्विड को देती है। क्लाइंबर एडिशन में स्पेशल आपको यहाँ पर डोर गार्ड देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, बढ़ते हैं अब रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल में आपको कुछ मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता, बट जो आपको रियर के टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं उसमें यहाँ पे आपको LED सेटअप देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो मेन लैंप है वो LED नहीं है, बट उसके जो आउटर लैंप जो ऑलवेज स्टार्ट रहता है वो LED सेटअप के साथ दिया गया है। एंड यहाँ पे क्विड की बैजिंग एंड रियर कैमरा दिया गया है, उसके साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। गाइज, आपको नीचे भी स्किड प्लेट देखने को मिलती है। एंड रियर बम्पर आपको ब्लैक कलर की फिनिश के साथ देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं दोनों बाजू। एंड यहाँ पे आप की से भी आप व्हीकल का बूट ओपन कर सकते हैं। गाइज, अब चलिए बढ़ते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे आपको 279 लीटर बूट स्पेस देखने को मिलता है जो आप एक्सटेंड कर सकते हैं 620 लीटर तक। एंड आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे ऊपर देखने को मिल जाती है। एंड अंदर से आपको कोई बूट लैंप देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियसली ये एक हैचबैक कार है तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। गाइज, चलिए बढ़ते हैं इंजन कंपार्टमेंट की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे क्लाइंबर में आपको 1 लीटर इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है जो 68 BHP के पावर जनरेट करता है। उसके साथ यहाँ पे आपको 92 Nm टॉर्क देखने को मिलता है। तो गाइज, ये थी पूरी ओवरऑल रेनॉल्ट क्विड आउटर लुक से जो काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन के साथ आपको फ्रंट लुक से देखने को मिलती है। तो गाइज, चलिए बढ़ते हैं इनसाइड द इंटीरियर और बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो गाइज, इंटीरियर में जाते ही आपको फर्स्ट जो इंटीरियर डिज़ाइन में आपको ऑरेंज स्किन के साथ फिनिश देखने को मिलती है जो काफ़ी आउटर एंड इंटीरियर लुक को मैच करती है। ऑरेंज कलर के साथ यहाँ पे फिनिश देखने को मिलती है। एंड सीट में भी आपको
ऑरेंज फिनिश देखने को मिलती है। एंड देख सकते हैं आप गियर नॉब पे भी जो ऑरेंज फिनिश है जो काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है एंड ओवरऑल इंटीरियर को काफ़ी इनहेंस लुक देती है। एंड आप देख सकते हैं कि जो टच स्क्रीन दी है उसके आउटर बॉडी में भी आपको ऑरेंज फिनिश देखने को मिलती है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं RPM दिखाता है एंड आपको जो रेनॉल्ट की ट्राइबल आती है वही यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। स्पीड एंड आप देख सकते हैं कि स्पीड शो होगा यहाँ पे। एंड अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो आपको कितना पेट्रोल है वो भी दिखाता है एंड एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एंड ट्रिप ए ट्रिप बी एंड ओडो देखने को मिलता है। एंड गाइज आपको ऑल इंडिकेशन जो गाड़ी में होते हैं वो सभी यहाँ पे आप देखो देखने को मिलते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको काफ़ी फ्रेश देखने को मिलता है और आप इजीली रीड कर सकते हैं ड्राइविंग के टाइम। एंड गाइस बढ़ते हैं अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ तो आपको 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलती है जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है और यहाँ पे आपको रेनॉल्ट ट्राइबल जैसे ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सब कनेक्ट करने के लिए आपको अपना मोबाइल केबल्स के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पे आपको जो पावर विंडो की स्विचेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे माउंट की गई है, उसके साथ हैजार्ड स्विच एंड लॉक यहाँ लॉक अनलॉक यहाँ पे आप कर सकते हैं एंड आपको मैनुअल एसी देखने को मिलता है। एंड अब गियर नॉब भी काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एमटी ऑप्शन भी देखने को मिलता है। एंड स्टेयरिंग में आपको कोई कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं बट आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स गाड़ी ऑफर कर रही है इस प्राइस पॉइंट पे। एंड आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग देखने को मिलता है। एंड गाइस स्टोरेज स्पेस के बारे में बात करते हैं तो आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है इस साइड भी जो काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ स्टोरेज देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है एंड 12 वॉट का आउटपुट भी देखने को मिलता है एंड ऑक्स यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको छोटे मोटे सामान रखने के लिए ये स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी दिया गया है। एंड एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं कि इंटीरियर काफ़ी अच्छा है एंड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड गाइज यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिलती है, एक पैसेंजर के पास और एक ड्राइवर के सीट के पास। एंड गाइज चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे रियर पैसेंजर के कंपार्टमेंट की बात करते हैं कितना स्टोरेज देखने को मिलता है। एंड हाँ यहाँ पे आपको डोर पे भी एक स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है एंड बोतल होल्डर भी देखने को मिलता है। एंड गाइज यहाँ पे आपको डोर में भी पावर विंडो के स्विचेस देखने को मिलता है, इसके साथ जो डोर ओपनर है वो भी क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलता है। एंड मेरी हाइट है 6 फीट के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको लेग स्पेस देखने को मिलता है। ये सीट काफ़ी पीछे है तो भी मेरे को मैं आप कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ एंड हेड्स रूम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है एंड आपको हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलता। एंड आपको 2 जन है यहाँ पे आपको आराम से बैठ सकते हैं। एंड गाइस अदर कम्फर्ट फीचर्स में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको फ्रंट में नहीं आर्मरेस्ट देखने को मिलता बट रियर पैसेंजर की सीट में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। सो गाइस चलिए चलते हैं यहाँ पे छोटी सी राइड पे, कैसा है यहाँ पे रेनॉल्ट क्विक क्लाइंबर एडिशन का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सो गाइस इंटीरियर में बैठते ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड में जो ऑरेंज डिकल्स दिए गए वो काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं एंड आपको एक प्रीमियम फीलिंग वाली टच देते हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं फील होता कि आप हैचबैक कार चला रहे हैं। यहाँ पे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो इजी टू रीड है एंड आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील देता है। एंड गाइस इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लीटर इंजन ऑप्शन एंड 0.8 लीटर इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है बट क्लाइंबर एडिशन में आपको ओनली 1 लीटर इंजन ऑप्शन ही देखने को मिलता है। यहाँ पे इस इंजन की पावर है 67 bhp एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी लाइट है, आपको फील नहीं होगा कि आप थ्रॉटल पे पैर रखा है, इतना लाइट यहाँ पे थ्रॉटल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। एंड इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा एंड प्रीटी आपको इम्प्रेसिव देखने को मिलता है। इसकी मोटर काफ़ी अच्छा पुल करती है जब आप थ्रॉटल पे पैर रखते हो तब। एंड स्टेयरिंग के हैंडलिंग बारे में, ये हैचबैक कार है तो आप सिटी में उसको कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। एंड सस्पेंशन सेटअप काफ़ी कंफर्टेबल है, आप घटे यहाँ पे आएंगे रोड पे तो आप आराम से टैकल कर सकते हैं। एंड बात रही यहाँ पे हैंडलिंग भी तो आप इजी टू कॉर्नर एंड आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड देती है ये कार। एंड फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है इस व्हीकल की। यहाँ पे ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में आपको 25 kmpl कंपनी क्लेम कर रहा है बट आपको आराम से हाईवे पे एंड सिटी पे 20 kmpl की एवरेज ये व्हीकल दे देगा। एंड मेरे को यहाँ पे क्लाइंबर एडिशन का जो फीचर्स दिए गए वो काफ़ी अच्छे हैं
एज़ पर दी आपको जो बजट में ये कार मिल रही है उस पर आपको ये फीचर्स काफ़ी अच्छे ऑफर कर रहे हैं, एंड इसकी ड्राइव क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पे SUV जैसा फील आता है, एंड आपको जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी अच्छा एंड प्रीटी हाथ में आपको ग्रिप बनाने में मदद करता है। एंड कंपेयर करते हैं यहाँ पे एस्प्रेसो में, अगर गाइज आपने हमारा एस्प्रेसो वाला वीडियो नहीं चेक किया तो आप आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एस्प्रेसो से यहाँ पे ड्राइव क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। एस्प्रेसो भी नो डाउट काफ़ी अच्छी ड्राइव क्वालिटी प्रोवाइड करती है, बट इन टर्म्स ऑफ फीचर वाइज यहाँ पे रेनॉल्ट क्विल का कोई जवाब नहीं है। सो गाइज ये थी हमारी छोटी सी राइड। तो गाइज ये थी ओवरऑल रेनॉल्ट की क्विड क्लाइंबर एडिशन। तो ये थी पूरी ओवरऑल व्हीकल। आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस व्हीकल के बारे में। एंड इफ़ यू वांट टू परचेस दिस व्हीकल तो मैंने रेनॉल्ट कर्णावती के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। रेनॉल्ट क्विड की क्लाइंबर एडिशन की प्राइस एक्सोरूम यहाँ पे 4,72,000 है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। बट आप आपको MT चाहिए तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा बक्स पे करने पड़ेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ, और ये वीडियो लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट वीडियोस देखने के लिए। एंड गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।